गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ कोमल सहानी, सीनियर लेक्चरर CDTM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर, सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ फैशन थर्ड ईयर, सब्जेक्ट कोड CD303, थ्योरी एंड ट्यूटोरियल यूनिट नंबर 3, करियर इन फैशन पार्ट 3.1, फैशन एक्सपर्ट अब्लिक डिज़ाइनर, एंड टुडे टॉपिक इज इंटरव्यू। आज के मेरे की कंटेंट्स हैं द इंटरव्यू, फर्स्ट सिक्योरिंग द इंटरव्यू, ए रिज्यूमे, बी इज कवर लेटर, सी इज एनवलप विथ एड्रेस एंड डी इज पोर्टफोलियो, सेकंड इज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड थर्ड इज द पोस्ट इंटरव्यू प्रैक्टिस। इंट्रोडक्शन, द इंटरव्यू इज द मोस्ट क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। साक्षात्कार पूरी चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इट सर्व्स एज द प्राइमरी मीन्स टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन एन एप्लीकेंट। इट सर्व्स एज द बेसिस फॉर असेसिंग एन एप्लीकेंट्स जॉब रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। इट इज़ डिज़ाइन टू डिसाइड इफ एन इंडिविजुअल शुड बी इंटरव्यूड फर्दर, हायर्ड और एलिमिनेटेड फ्रॉम कंसिडरेशन। ये एक आवेदक पर अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के लिए प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करता है। ये आवेदक की नौकरी से संबंधित ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का आकलन करने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। यह तय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या किसी व्यक्ति को आगे साक्षात्कार किया जाना चाहिए, काम पर रखा जाना चाहिए या विचार से हटा दिया जाना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, इंटर means between or reciprocal and view means to see each other or the act of seeing or examining an inspection. दो शब्दों के अंतर का अर्थ है बीच में या पारस्परिक, और देखने का अर्थ है एक दूसरे को देखना या जांचना और निरीक्षण करना। The interview meaning a formal meeting in which one or more persons question, consult or evaluate another person. साक्षात्कार एक औपचारिक बैठक जिसमें एक या अधिक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से सवाल करते हैं, परामर्श या मूल्यांकन करते हैं। Definition of interview. Interview is the widely used, it is a face-to-face interaction between interviewee and interviewer. According to Scott and others, an interview is a purposeful exchange of ideas, the answering of questions and communication between two or more persons. Bingham and other defines an interview as a conversation with a purpose. According to Gary Dessler, the interview is a selection procedure designed to predict the future job performance on the basis of applicants' oral responses to oral inquiries. साक्षात्कार को परिभाषित निम्नलिखित विशेषज्ञों के अनुसार, साक्षात्कार व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारकर्ता लेने वाले के बीच आमने सामने बातचीत होती है। स्टॉक एंड अन्य के अनुसार, एक साक्षात्कार विचारों का एक उद्देश्यपूर्ण आदान प्रदान है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रश्नों और संचार का उत्तर या उत्तर का संचार होता है। बिघम और अन्य साक्षात्कार को परिभाषित करते हैं एक उद्देश्य के साथ बातचीत। गैरी डेसलर के अनुसार, साक्षात्कार एक चयन प्रक्रिया है जिसे मौखिक पूछताछ के लिए आवेदकों की मौखिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर भविष्य के नौकरी के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 5 स्टेजेस ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, यानी कि साक्षात्कार प्रक्रिया की 5 अवस्थाएं होती हैं। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, सेकंड इज स्मॉल टॉक यानी थोड़ी सी बातचीत, थर्ड इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग सूचना एकत्रित करना, फोर्थ इज क्वेश्चन आंसर्स यानी प्रश्न उत्तर,
और फिफ्थ इज रैपिंग अप यानी समेटना. टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ को दो मेन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन में है इट इज़ बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड. थ्री पार्ट्स ए बी एंड सी पर्सनल इंटरव्यू ग्रुप इंटरव्यू एंड पैनल इंटरव्यू. सेकेंड इज बेस्ड ऑन द प्लानिंग इन्वॉल्व्ड स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्टिव इंटरव्यू एंड बी इज अनस्ट्रक्चर्ड और इनडायरेक्टिव इंटरव्यू. थर्ड इज बेस्ड ऑन जजिंग द एबिलिटीज बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू डेप्थ इंटरव्यू एंड स्ट्रेस इंटरव्यू. सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स. वन इज वन टू वन इंटरव्यू आस्क्ड अ प्री डिटर्मिंड सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर डिजाइंड टू इफेक्टिवली इवैल्यूएट योर स्किल्स इन एरियाज that are relevant to the position you have applied for. Behavioral interview is the second. An interviewer has one main priority and that's to ensure they only select the right persons for the job. Prepare to be asked about your worst professional mistakes or any workplace confrontation. Third is a situational interview. Behavioral interviews are designed to predict your future behavior from your past performance. Situational interviews focus solely on your future performance. Preparing for an interview of this type can be more challenging as you will probably be given a hypothetical problem to solve. And finally, the fourth one is a case interview. When a company wants to know how you would solve a specific business problem, they will likely invite you in for a case interview. These types of interviews typically require you to think on the spot like a situational interview or prepare a presentation for evaluation. अब हम types of interviews को हिंदी में पढ़ेंगे. First classification जो है यानी हमारा जो पहला वर्गीकरण है उसमें हम पढ़ेंगे. पहला है इसमें शामिल लोगों की गिनती के आधार पर मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं इंटरव्यू में कितने हो सकते हैं. पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार समूह साक्षात्कार और पैनल या स्टाफ साक्षात्कार. व्यक्तिगत में केवल एक व्यक्ति का ही साक्षात्कार एक टाइम पे किया जाता है एक समय पे. समूह में यानी होता है जब ग्रुप में बिठाया जाता है एक दो या तीन लोगों को बिठा के फिर एक साथ इंटरव्यू लिया जाता है. और पैनल इंटरव्यू जो होता है जिसमें बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है और वह उस एक व्यक्ति का इंटरव्यू जो होते हैं वो चार या पांच का जो बोर्ड होता है वो लेता है. सेकंड है इसमें शामिल योजना के आधार पर. अब यानी कि आपने किस तरह से प्लान आउट किया है आपके इंटरव्यू का उस पर आधार होता है. संरचित साक्षात्कार जो स्ट्रक्चर्ड होता है यानी पहले से प्लान्ड आउट होता है. अव्यवस्थित या असंगठित साक्षात्कार जो कि प्लान नहीं होता है और यानी कि जिसमें कोई प्रत्यक्षता नहीं होती है वो कहलाता है असंगठित. थर्ड है क्षमताओं को देखते हुए क्षमताओं के आधार पर किया जाता है. पहला है व्यवहार आधारित साक्षात्कार. दूसरा है समस्या निवारण साक्षात्कार गहन साक्षात्कार विस्तार या फिर तनाव साक्षात्कार. दूसरा प्रकार का जो वर्गीकरण है उसमें हमने चार में इसको विभाजित किया है. पहला है एकीकृत साक्षात्कार देखने के लिए उन प्रश्नों का एक पूर्व निर्धारित सेट पूछा गया जो आपके द्वारा लागू की गई स्थिति के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में आपके कौशल का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. व्यवहार साक्षात्कार एक साक्षात्कारकर्ता की एक मुख्य प्राथमिकता होती है और यह सुनिश्चित करना कि वह केवल नौकरी के लिए सही व्यक्ति का चयन करें. अपनी सबसे खराब पेशेवर गलतियां या किसी कार्यस्थल टकराव के बारे में पूछे जाने की तैयारी करें. थर्ड है जिसे हम कहते हैं स्थितिजन्य साक्षात्कार. व्यवहार साक्षात्कार
आपकी पिछले जो प्रदर्शन से आपके भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। स्थिति जन्य साक्षात्कार केवल आपके भविष्य के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार के एक साक्षात्कार के लिए तैयारी करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपको संभवतः हल करने के लिए एक काल्पनिक समस्या दी जाती है। फिर फोर्थ है हमारा स्थिति साक्षात्कार। मामले को देखने जब कोई कंपनी ये जानना चाहती है कि आप एक विशिष्ट व्यावसायिक समस्या को कैसे हल करेंगे, तो आपको केस इंटरव्यू के लिए आमंत्रित कर किया जाता है। और इस प्रकार के जो साक्षात्कार आमतौर पर आपको एक स्थानीय साक्षात्कार जैसे मौके पर सोचने या मूल्यांकन के लिए एक प्रस्तुति तैयार करने की आवश्यकता होती है। द इंटरव्यू में अब हम करेंगे द सिक्योरिंग द इंटरव्यू यानी साक्षात्कार को सुदृढ़ करना। इसमें चार भाग हैं, रिज्यूम जिसे संक्षिप्त विवरण, कवर लेटर, व्याख्या पत्र, देन एनवेलप विद एड्रेस यानी पते के साथ लिफाफा, और डी इज पोर्टफोलियो। सिक्योरिंग द इंटरव्यू, साक्षात्कार को निश्चित करना। पहला आता है हमारा रिज्यूम। रिज्यूम इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट अ जॉब एप्लीकेंट क्रिएट्स टू आइटमाइज हिज और हर क्वालिफिकेशंस फॉर अ पोजीशन। रिज्यूम इज यूजुअली अकंपनीड बाय अ कस्टमाइज्ड कवर लेटर इन विच द एप्लीकेंट एक्सप्रेसेस एन इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक जॉब और कंपनी एंड ड्रॉज अटेंशन टू द मोस्ट रेलिवेंट स्पेसिफिक्स ऑन द रिज्यूम। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जो एक नौकरी आवेदक एक स्थिति के लिए अपनी योग्यता को गणना करने के लिए बनाता है। आमतौर पर एक अनुकूलित कवर पत्र के साथ ये होता है जिसमें आवेदक एक विशिष्ट नौकरी या कंपनी में रुचि व्यक्त करता है और फिर से शुरू करने पर सबसे अधिक प्रासंगिक बारीकियों पर ध्यान आकर्षित करता है। करिकुलम विटाए इज अ लैटिन फॉर द कोर्स ऑफ लाइफ एंड इन कंट्रास्ट द रिज्यूमे इज अ फ्रेंच फॉर समरी। बोथ CVs and resumes are tailored for the specific job company you are applying. पाठ्यक्रम जीवन CV जीवन के पाठ्यक्रम के लिए लैटिन शब्द है। इसके विपरीत रिज्यूमे सारांश के लिए फ्रेंच शब्द है। CV और रिज्यूमे दोनों आपके द्वारा लागू किए जा रहे विशिष्ट नौकरी कंपनी के लिए रुझान होते हैं या डिज़ाइन किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ रिज्यूमे यानी जब हम रिज्यूमे लिखते हैं तो उसके कुछ हिस्से होते हैं, उनको हम विभाजित करते हैं। और ये हमने यहाँ पर इसे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में इसको लॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे हमने दर्शाया है। टिपिकली रिज्यूमे विल इंक्लूड द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहला होता है, फर्स्ट इज़ द हेडर। हेडर जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और इंक्लूड योर नेम, आपका नाम, फुल एड्रेस, पूरा पता, फ़ोन नंबर यानी दूरभाष नंबर और ईमेल एड्रेस होता है यानी ईमेल पता होता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है, दिस इज़ अ फ्रेज और अ सेंटेंस दैट हाईलाइट्स योर इंटेंशंस एंड अकम्प्लिशमेंट। जो भी ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि आपने ये रिज्यूम बनाया है और किस जॉब के लिए बनाया और क्या बनना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है और वही आपको वहाँ पर लिखना चाहिए। और थर्ड होता है हमारा एजुकेशन विद डेट। दो प्रकार की हमारी एजुकेशन्स होती हैं, वैसे हम उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी कहते हैं और दूसरा होता है हमारा प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हमारा आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको कहते हैं हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसे हमें लिखना चाहिए विद डेट। जैसे आप 12th पास हैं या 12th है, 10th हैं और उसमें हम हमारा बोर्ड लिखेंगे और प्लस उसमें हमने किस ईयर में पास आउट किया है वो लिखेंगे। और एकेडमिक में जैसे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये सब सब एकेडमिक में आएंगी। प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती हैं जो व्यावसायिक होती हैं और तकनीकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। और इसमें जो है क्या कहते हैं, आपने कौन सी, जैसे कि हमारे यहाँ पे है, हम नॉन इंजीनियरिंग
कॉलेज से हैं, तो हमारे में जैसे हमने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है, ब्यूटी कल्चर है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डेकोरेशन है, कमर्शियल आर्ट है, तो इस टाइप की टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आपकी कौन सी हैं जिसमें आप तकनीकी रूप से आप बिल्कुल ही क्वालिफाइड हैं या उसमें स्किल्ड हैं। फिर आता है वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपको कार्य से संबंधित कौन सा अनुभव है और कितने कितने दिनों का है, तो वह आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने ये क्वालिफिकेशंस लेने के बाद अगर कहीं कार्य किया है तो वो आप लिख सकते हैं, अगर आपके नहीं है तो आप उसमें नील भी लिख सकते हैं। फिर आता है स्पेशल स्किल्स, स्पेशल होते हैं विशिष्ट प्रकार के कौशल होते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि आपने इन तकनीक इन क्वालिफिकेशंस के अलावा आपको और भी कई कौशल आते हैं, जैसे कि आपका जैसे कंप्यूटर स्किल है, आपकी स्विंग स्किल है, या फिर आपने कोई जैसे क्रोशे में है अगर आपका कोई स्किल, या डाइंग में ही स्किल है, तो आप इस तरह के कुछ स्पेशल टाइप की स्किल्स को इसमें लिखेंगे। देन आता है आपका हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप में आपको किस चीज़ में सबसे अधिक रुचि है इनके अलावा। ये जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट होते हैं ये आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं उनको इन्हांस करता है और आपके उसमें एक बढ़ोतरी का माध्यम होता है। तो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट होता है लाइक जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मुझे बाइक चलाना पसंद है, या मुझे कुकिंग का शौक़ है, और आप लिसनिंग म्यूज़िक है, डांसिंग है, सिंगिंग है, या ड्राइंग है, सो दीज ऑल आर दी हॉबीज़। और जो रेफरेंस होता है, जो हमारा लास्ट होता है पार्ट होता है रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, और इसमें हमें लिखना चाहिए कि विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। रेफरेंस इसलिए लिखना ज़रूरी होता है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन में अगर कोई कमी होती है तो आप अगर एक रेफरेंस में अगर ये लिख देते हैं कि विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और करूं, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूं, यानी मैं और अधिक अपने आप को स्किल करने के लिए तैयार रहूँगी। तो ये जो होता है ये बहुत है कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कि भाई हमें कंप्यूटर में हम नहीं हैं, तो मैं उस कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन को करने की कोशिश करूँगी। सेकेंड होता है हमारा कवर लेटर एंड एनवलप विद एड्रेस। अब कवर लेटर क्या होता है, इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट कॉमनली सबमिटेड विद अ जॉब एप्लीकेशन आउटलाइनिंग द एप्लीकेंट्स क्रीडेंशियल्स एंड इंटरेस्ट इन द ओपन पोजिशन। आमतौर पर एक लिखित दस्तावेज जो आवेदक की साख और खुली स्थिति में रुचि दिखाते हुए एक नौकरी के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कवर लेटर जो होता है वो हमेशा रिज्यूमे के ऊपर रखा जाता है और ऊपर लिखा जाता है, मतलब एक नेक्स्ट पेज होता है जो रिज्यूमे के ऊपर, और कवर लेटर के नीचे ही हमारा रिज्यूमे लगाया जाता है। एंड फिर ये एक एनवलप में इन दोनों पेजेस को रखा जाता है। और जो रिज्यूमे होता है, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि बहुत ही ब्रीफ होता है और समराइज्ड होता है और एक पेज का ही होना चाहिए। एनवलप जो है, एनवलप इज़ अ रेक्टेंगुलर पेपर कवर होता है इन विच यू सेंड अ लेटर टू समवन थ्रू द पोस्ट। अगर आप पोस्ट से भेजें तो वह एनवलप कहलाता है। तो एक लिफाफा आयताकार पेपर कवर है जिसमें आप पोस्ट के माध्यम से किसी को पत्र भेजते हैं। एड्रेस, अब एनवलप के ऊपर एक एड्रेस होता है, यानी कि पता लिखा होता है, द पर्टिकुलर ऑफ द प्लेस वेयर समवन लिव्स और एन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। तो एड्रेस का मतलब होता है पता, कि जहाँ पे कोई रहता है उस स्थान का जो नाम होता है या जगह का नाम होता है वह कहलाता है एड्रेस। और विशेष स्थान जहाँ कोई रहता है या कोई संगठन स्थित है। देन हमारा फोर्थ आता है पोर्टफोलियो। अ लार्ज थिन फ्लैट केस फॉर लूज शीट्स ऑफ पेपर सच एज ड्राइंग और मैप्स। कागज़ की ढीली जो पत्र होते हैं, जैसे चित्र या नक्शों के लिए एक बड़ा पतला सपाट फाइल पुस्तिका। अ फैशन डिज़ाइन पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स पुट टुगेदर बाय अ फैशन डिज़ाइनर टू शो ऑफ हिज और हर स्किल्स टू अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर ऑफ फैशन स्कूल।
हमने यहाँ पर ऊपर हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी है या फर्स्ट मीनिंग जो पढ़ा है पोर्टफोलियो के बारे में, वो एक साधारण अर्थ है उसके बारे में। और हमने यहाँ पे जो सेकंड लिखा है वो एक फैशन डिज़ाइनर के का पोर्टफोलियो क्या होता है और उसको कैसे उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। एक फैशन डिज़ाइन पोर्टफोलियो एक भावी डिज़ाइनर या फैशन स्कूल में अपने कौशल को दिखाने के लिए एक फैशन डिज़ाइनर द्वारा लगाए गए नमूनों का एक संग्रह होता है। द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज आर वर्किंग पोर्टफोलियोज, डिस्प्ले पोर्टफोलियोज एंड असेसमेंट पोर्टफोलियोज। ऑल्दो द टाइप्स आर डिस्टिंक्ट इन थ्योरी एंड दे टेंड टू ओवरलैप इन प्रैक्टिस। पोर्टफोलियो के तीन प्रमुख प्रकार हैं, कार्यकारी पोर्टफोलियो, प्रदर्शन पोर्टफोलियो और मूल्यांकन पोर्टफोलियो। यद्यपि सिद्धांत में प्रकार भिन्न है, ये व्यवहार में ओवरलैप करते हैं। तो वर्किंग पोर्टफोलियो होता है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे एंड यू आर मेकिंग समथिंग एंड यू आर एडिंग इट टू इट, दैट इज़ नोन एज अ वर्किंग पोर्टफोलियो। और डिस्प्ले पोर्टफोलियो होता है जब आप उन अपनी शीट्स को कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं, कहीं लगा के और उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। और असेसमेंट होता है जैसे कि आप कॉलेज में बनाते हैं तो जो भी फाइल्स आप बनाते हैं दोज आर नोन एज असेसमेंट पोर्टफोलियोज। जैसे आपने फैशन इलस्ट्रेशन की कोई बनाई या सरफेस ऑर्नामेंटेशन की या निटिंग की बनाई है अपने सैम्पल्स को, तो उसमें आप अपना कार्य को दर्शाते हैं और आप उसका उसमें आपका असेसमेंट होता है, यानी आप उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं असेसमेंट पोर्टफोलियो। नाउ द सेकेंड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब हमारा रिज्यूमे, कवर लेटर और एनवलप एंड पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है, देन हमें अब हमारे इंटरव्यू के लिए हमको किस तरह से तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, वो है यहाँ पे बताया। फर्स्ट इज़ अ रोल प्लेइंग, यानी कि भूमिका निभाना। सेकंड इज़ अपीयरेंस, यानी आपकी भेष या वेशभूषा या कैसे होना चाहिए। थर्ड इज़ अ पोस्चर, अंग विन्यास। एंड फोर्थ इज़ द लैंग्वेज, भाषा। रोल प्लेइंग, द एक्शन आउट ऑफ द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और द कैरेक्टर, किसी विशेष व्यक्ति या पात्र के हिस्से का अभिनय। रोल प्लेइंग इज द चेंजिंग ऑफ वंस बिहेवियर टू अज्यूम अ रोल, आइदर अनकॉन्शियसली टू फिल अ सोशल रोल और कॉन्शियसली टू एक्ट आउट एन अडॉप्टेड रोल। भूमिका निभाना, किसी भूमिका को संभालने के लिए, किसी के व्यवहार को बदलने के लिए, या तो अनजाने में एक सामाजिक भूमिका को भरने के लिए या सचेत रूप से अपनाई गई भूमिका निभाने के लिए होता है। अब इससे यहाँ पे रोल प्लेइंग का मतलब ये है कि व्हेन यू आर गोइंग, जिस भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसी तरह का अपना गेटअप लेना पड़ेगा और उसी तरह से आपको उसका रोल प्ले करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ फैशन डिज़ाइनर, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द लेक्चररशिप, सो यू हैव टू ड्रेस अप लाइक दैट एंड यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। So this is known as a role playing. And if you are going for the as a designer, then you have to be आपको जो आप रोल प्ले करना पड़ेगा, आपको एक्ट भी जब वहाँ पे करना पड़ेगा तो एज अ फैशन डिज़ाइनर करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि एक ह्यूमन के बहुत सारे रोल्स होते हैं। एवरी डे वी आर चेंज, वी स्विच ऑन दोज रोल्स ऑटोमेटिकली, तो वो अनकॉन्शियसली भी होता है और कॉन्शियसली माइंड से भी होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एट अ होम, यू प्ले इन अ डिफरेंट वे। When you are a mother, you play in a different way. When you are a teacher, you play in a different way. So this is how the role has been played in daily life also. But it is unconsciously. And sometimes it may be a conscious way also. Appearance mein hota hai ki hamari veshbhusha hai, ya hum kis tarah se appear hote hain kisi ke samne. The way that someone or something looks. जिस तरह से कोई या कुछ दिखता है। इट इज़ अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अ डिफाइनिंग ट्रेट्स और फीचर्स अबाउट योर बॉडी, एंड दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट आर विजुअली अपेरेंट, नोइंग नथिंग एल्स अबाउट द पर्सन। द फर्स्ट थिंग यू सी व्हेन यू लुक एट समवन कुड बी द हेयर, द क्लोज, द नोज और द फिगर। शारीरिक विशेषताएँ आपके शरीर के बारे में लक्षणों या विशेषताओं को परिभाषित कर रही है। ये ऐसे पहलू हैं जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं और व्यक्ति के बारे में और कुछ नहीं जानते,
जब आप किसी को देखते हैं तो पहली चीज़ उसके बाल, कपड़े, नाक या आकृति हो सकती है। तो अपीयरेंस में ये हो गया कि हाउ यू हैव टू ड्रेस अप, ये आपका हो गया अपीयरेंस में। रोल्स मीन्स हाउ यू हैव टू बिहेव। सो डोंट गेट मिक्स अप विद दीज टू वर्ड्स। रोल प्लेइंग, व्हेन यू प्लेइंग अ रोल, यू प्लेइंग अ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। देन कम्स द पोस्चर एंड लैंग्वेज, द पोजिशन इन विच द समवन होल्ड्स द बॉडी व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग, और अ पर्टिकुलर अप्रोच और एटीट्यूड समवन इन अ पर्टिकुलर एटीट्यूड और पोज। वह स्थिति जिसमें खड़े होने या बैठने पर कोई अपना शरीर धारण करता है, और ये एक विशेष दृष्टिकोण या कोई किसी विशेष दृष्टिकोण या मुद्रा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्चर का मतलब है कि जब भी आप जाएं जिस किसी में भी, तो आप बहुत एक्टिव और गुड पोस्चर में होने चाहिए, ना कि आपकी जो बॉडी है वो स्लैग सी करनी चाहिए, या मतलब ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। एंड शुडंट लुक लाइक अ लेजी पर्सन। तो बैड पोस्चर इज नेवर एप्रोप्रिएट इन द इंटरव्यूज। देन कम्स द लैंग्वेज, द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन आइदर स्पोकन और रिटन कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे। मानव संचार की विधि या तो बोली या लिखी जाती है, जिसमें संरचित और पारंपरिक तरीके से शब्दों का उपयोग होता है। अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी भी कहा जाता है। संचार की एक प्रणाली जिसका उपयोग किसी विशेष देश या समुदाय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपकी जो लैंग्वेज है, जब आपसे कोई प्रश्न किसी जिस भाषा में भी किया जाए, आप कोशिश करें कि आप उसी भाषा में उसका उत्तर दें। तो ये सब चीज़ें, जैसे अगर आपसे कोई हिंदी में पूछ रहा है और आप अगर उसको आंसर इंग्लिश में उसका उत्तर देते हैं, तो ये सही नहीं होगा। अगर हिंदी में पूछा है तो आप हिंदी में उस प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करें, और अन्यथा आप और कोई भाषा का प्रयोग ना करें। और या फिर आप थोड़े बहुत इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हुए आप हिंदी में ही उसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए आपको। और अगर आपसे अंग्रेज़ी में अगर इस विषय पे या किसी जॉब से रिलेवेंट आपसे कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसका उत्तर अंग्रेज़ी में ही देंगे। थर्ड इज़ अ पोस्ट इंटरव्यू प्रैक्टिस, यानी कि पोस्ट इंटरव्यू की प्रक्रिया। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा पत्र। द एक्ट ऑफ रिकग्नाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग इज़ वैल्यूबल, इम्पॉर्टेंट और एज डिस्क्राइब्ड a feeling or expression of admiration, approval or gratitude। ये पहचानने या समझने की क्रिया कि कोई चीज़ मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, या प्रशंसा, अनुमोदन या कृतज्ञता की भावना या अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित है। An expression of gratitude यानी आभार की अभिव्यक्ति। Awareness or delicate perception especially of aesthetic qualities or values, विशेष रूप से सौंदर्य गुणों या मूल्यों की जागरूकता या नाजुक धारणा। एप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, प्रशंसा को आभार की भावनाओं के रूप में भी परिभाषित किया गया है। नाउ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मीन्स है लाइक आफ्टर व्हेन यू, जब आप इंटरव्यू देके आ जाते हैं, तो आपको एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखना चाहिए जिसने आपका इंटरव्यू लिया है और उस कंपनी के लिए, दैट यू आर वेरी थैंकफुल एंड यू हैव कॉल्ड मी फॉर दिस करके, आपको उनका धन्यवाद या उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो ये जो अभिव्यक्ति होती है, ये सामने वाले के लिए भी अच्छा होता है कि आप देने आए और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये कई बार हमें ये पता नहीं होता है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमेशा इंटरव्यू के बाद आपको एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देना भी बहुत ही अधिक आवश्यक है। अब यहाँ पे हमने कुछ कोटेबल कोट्स लिए हैं जिन्हें मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। योर रिज्यूमे से अ लॉट अबाउट यू, इट डिटरमाइंस वेदर यू विल बी कॉल्ड इन और एन इंटरव्यू और नॉट। तो रिज्यूम जो होता है वो आपके बारे में बहुत कुछ कहता है, और ये याद करने का माध्यम है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। जॉब इंटरव्यूज़ आर लाइक द फर्स्ट डेट,
good impressions count and awkwardness can occur and outcomes are unpredictable. A job interview is not a test of your knowledge but your ability to use it at the right time. And the most important tool you have in on a resume is your language. तो ये कुछ ऐसे कोटेबल कोट्स हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक्चुअल में जो इंटरव्यूज़ जो हैं उसका मतलब क्या है और क्या कहना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच.